समोसे में मैदा, मैदे में समोसा। अजय देवगन की नई मूवी आई है जिसका नाम है मैदान। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैदान के बारे में। कल एक त्यौहार था, क्या त्यौहार था मैं नाम भूल गया, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत समय से है ना सदर नमक ले रहा हूँ, सदर नमक लेकर अपना गला साफ कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन की मूवी के बारे में। अंटीग्रेशन आपको शराब पर ठीक इंच नहीं रहते हो तो आपको पता होगा कि अजय देवगन की मूवी आने वाली थी मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होने वाली थी फुटबॉल के ऊपर, जो कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड होने वाली थी। वो कल थिएटर में लगी और मैंने देखी और मैं कहूँगा कि मूवी ने दिल खुश कर दिया मेरा, मतलब दिल में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर इसमें कुछ चीज़ के मेरे को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसे 5 पॉइंट में कि ये आपको अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं या फिर आपको ये देखने जानी चाहिए, अगर नहीं गए तो क्या होगा उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी है 1964 के बारे में, या फिर कहे उस नए फुटबॉल टीम के बारे में जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पहली फुटबॉल टीम थी, जिसने इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया, एशिया गेम्स में रिप्रेजेंट किया और 1964 में जो गोल्ड लाई उस टीम के बारे में है। ओवरऑल ये ना फुटबॉल की गोल्डन एज के बारे में है, जो कि मैं लगभग 60 साल पहले था, क्योंकि 60 साल से इनका डाउनफॉल ही चल रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है डाउनफॉल नहीं, पता नहीं क्या हो गया हो, मतलब बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह एकदम टॉप पे गए थे, फिर इनका डाउनफॉल चालू हो गया। वह आप समझ गए कितना बड़ा डाउनफॉल आया है। ये स्टोरी है ऐसे रहीम के बारे में और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी दे दी फुटबॉल के लिए, और आपको जीना काफ़ी इमोशनल करेगी एंड दी एंड, उसकी स्टोरी चला जवाब है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, इसकी एक्टिंग। अजय देवगन ने रोल प्ले किया है कोच का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, वो फील हो जाता है इमोशन वगैरह, और उनके अपोजिट एक तरह से एक कहेंगे एंटागनिस्ट दिखाने की कोशिश करी थी जो गजराज राव को, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ने भी काम किया है। ओवरऑल बाकी सबका काम एकदम लाजवाब था, आपको एक्टिंग देख के कहीं नहीं लग सकती है कि यहाँ पर किसी ने जानबूझ के अपना 19-20 दिया है, अपने दिल ऐसा लगता है कि सबने परफेक्ट रोल किया है, तो ओवरऑल मूवी की एक्टिंग लाजवाब थी। अब बात के लिए इसका तीसरा पॉइंट, जो कि होगा थ्रिलर या फिर स्पोर्ट ड्रामा के बारे में। देखो ये आपको पता है कि ये स्टोरी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और है ना स्पोर्ट्स ड्रामा में है ना, अगर आपको है ना ड्रामा या फिर ना जो स्लोमो वाले थ्रिल अगर ना मिले ना तो मूवी का मजा खुद बर्बाद हो जाता है, और ये मूवी वो बिल्कुल देती है आपको, और इतना देती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है ना आपकी स्पोर्ट्स थ्रिलर वगैरह में जाने के लिए तो आपके लिए परफेक्ट है। बीच बीच थोड़ी बहुत पंच लाइन वगैरह भी आती है जिनको देख के आपका एकदम से इंटरेस्ट बना रहेगा। अनटिलनेस आपके है ना जो है ना, तो था क्या कहते हैं उसको, अटेंशन स्पैन फिश से भी मतलब ना मछली से भी कब बदतर नहीं है, तो आप जाकर देखिए और आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देख ट्रेलर देख लेना समझ में आएगा इंटरेस्ट क्यों है, वरना कुछ आप है ना देश की होगी तरह आप थिएटर में पीछे बैठ के कमेंट करेंगे और फिर ये देश का हो गया था कि कोई नौकरी नहीं मिल रही, तुम घोषणा के एक घंटे तो तुम कर नहीं पाते और फिर उनको चाहिए नौकरी। माफ करना देश के युवा की मैं एकदम मेरे दिमाग की खैर बिना किसी को ज़्यादा गाली। अब बात कर लेते हैं इसकी जो बैकग्राउंड वगैरह है या फिर इसका जो हिस्ट्री वगैरह उसने दिखाई है और किस तरह से इसका जो वर्क वगैरह कर रहा है, मतलब डायरेक्शन वगैरह उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो बैकग्राउंड वगैरह जो सेट है, इसका जो बैकग्राउंड वगैरह सेट है वो है 1960s के आसपास। तो मैं पर्सनली कहूँगा कि देश का होता तो अगर किस टाइम नहीं होता किस तरह से वगैरह दिखाती वो है ना आपको देखने में थोड़ा बहुत मजा आएगा अगर आपको पोलिटिकल व्यूज वगैरह हैं। पर यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत उनको नेगेटिव लाइन में दिखाया ताकि इसको थोड़ा पॉजिटिव दिखाया, ऑफकोर्स मतलब ऐसे थोड़ा कंपेयर करने के लिए आसानी होती है और नॉर्मल ऑडियंस के लिए वो वहाँ पे दिखाया गया है। और ओवरऑल कम इसको बनाने में कम लगभग 3 साल दिए हैं, इतने बनाने के लिए 3 साल दिए हैं, क्योंकि देखने में दिखता है मूवी को मूवी बनाने में 3 साल दिए हैं। 3 साल में तो लोगों को पहले कोर्स हो जाता है फिर वो इंटर्न की जॉब में लग जाते हैं, तो लोगों का तो इंटर्न कोर्स हो जाता है। सॉरी पैट जोक, बट अब बात कर लेते हैं पांचवा और आखिरी इसका जो म्यूज़िक है, जो उसका म्यूज़िक है और अगर उसकी जो फुटबॉल के लिए की जो डिटेल्स वगैरह थी वो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका म्यूज़िक है ना एकदम टॉप नोट था, बहुत 90% ऑफ टाइम इसका म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, बैकग्राउंड से लेकर उसका जो बीच बीच में ट्रेनिंग मोन्टाज वगैरह वो सब और जो फुटबॉल के लिए डिटेल्स। अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो आप वेट किसका कर रहे हैं, आप जाइए जाके देखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें दोबारा दोबारा नहीं आती। और फुटबॉल फैंस के लिए तो पक्का होगा क्योंकि इंडिया में वैसे ही फुटबॉल को लेकिन आजकल इज्जत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि थैंक्स टू सॉरी बट सच है। ओवरऑल आप को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं भीख मांगना हूँ वाला हूँ, क्योंकि थोपड़े को देना आप कैसे देखेंगे दोबारा, कि जब थोपड़ा नहीं देखेगा तो आपको रिव्यू कैसे मिलेगा, रिव्यू नहीं मिलेगा तो आपको मज़ा कैसे आएगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो कॉमेंट सेक्शन ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि मेरे को गाली देना चाहते हैं तो भी कॉन्वर्सेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए शूट।